वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम भारत के भूगोल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछी गई सारी क्वेश्चन है, तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए और आज से हम लोग भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से जिसमें भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। ऑप्शन ए है 37° 17′ 53″ उत्तर तथा 8° 6′ 28″ दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी है 37° 17′ 53″ उत्तर तथा 8° 4′ 28″ दक्षिण के बीच, ठीक है। ऑप्शन सी है 37° 17′ 53″ उत्तर तथा 8° 28′ उत्तर के बीच। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए यह क्वेश्चन 39th बीपीएससी में पूछी गई है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को क्या बताया गया है। इसमें भारत की भूमि का विस्तार को देखते हैं, ठीक ना। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखिए दोस्तों, क्योंकि भारत का स्थिति पूछ देता है, तो भारत जो है जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में, वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत का जो विस्तार है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। देखते हैं आगे, 8° 4′ उत्तर से लेकर के 37° 6′ उत्तरी अक्षांशों में इसका विस्तार अगर पूछेगा तो ध्यान रखना है 8° 4′ उत्तर से लेकर के 37° 6′ उत्तरी अक्षांशों तक भारत फैला है तथा 68° 7′ पूर्वी से लेकर के 97° 25′ पूर्वी देशांतरों तक के मध्य फैला है। तो अगर देशांतर में पूछेगा तो यह है 68° 7′ पूर्वी पूरब से लेकर के 97° 97′ 25′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत का विस्तार पूछेगा वर्ल्ड में तो भारत जो है जो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका विस्तार ओवरऑल देखा जाए तो 8° 4′ उत्तर से लेकर 37° 6′ उत्तरी अक्षांश तथा 68° 7′ पूरब से लेकर के 97° 25′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ध्यान रखिएगा इसका अक्षांशी और देशांतरीय विस्तार किस गोलार्ध में स्थित है, इसको भी ध्यान रखना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके अलावा देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो सही बात है, कर्क रेखा जो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, और यह 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक भी मैंने ट्रिक वीडियो पे बता दिया है, मित्र पर गमछा झार। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछता है तो इसको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, सही है, परंतु इसकी, तो यह क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका जवाब होगा, आपका जवाब होगा 2.4%, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वह संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, परंतु इसकी, ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, ऑप्शन सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या और ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। यानी कि कह क्या रहा है क्वेश्चन हमारे, यह कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है जो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु यह कितनी जनसंख्या, कितना प्रतिशत जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति का। सो देखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का जो है 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं,
भारत का क्षेत्रफल, हाँ दोस्तों तो यह भी इम्पोर्टेंट है, भारत का क्षेत्रफल पूछ देता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत का क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। तो ध्यान रखना है, परसेंटेज में भी आप लोग को ध्यान रखना है, यह पूरे संसार का 2.4% है स्थलीय भाग का, और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% यानी कि 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर, अतः निकटतम सही आंसर विकल्प भी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे, जबकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 70.5% यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% इसका जनसंख्या बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT, ठीक है, GMT में अंतर पाया जाता है, यानी कि IST भारत का जो प्रमाणिक समय और GMT दोनों में क्या कितना अंतर पाया जाता है इसको देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है +4.5 घंटे, ऑप्शन बी है +5.5 घंटे, ऑप्शन सी है -5.5 घंटे और ऑप्शन डी है -4.5 घंटे, है ना, -1/4 घंटे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसका सही है +5.5 घंटे यानी कि +5/1/2 घंटे, ठीक है, +5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। अंतर जो पाया जाता है सो पूछ रहा है, तो भारतीय मानक समय जो है IST एवं ग्रीनविच के मध्य जो अंतर है +5.5 घंटे का है, इसको आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो कि 82:30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है, 82:30 पूर्वी देशांतर, यानी कि पूछा जाता है भारत का मानक समय निर्धारित करता है, मतलब मानक समय कितने डिग्री पर निर्धारित की गई, तो 82:30 पे, ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर से लिया गया। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है, दोस्तों कहीं कहीं मिर्जापुर और कहीं नैनी भी दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा नैनी और मिर्जापुर में जो भी रहेगा ऑप्शन में उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नैनी दे रहा है इस बुक में, और बहुत जगह इस पे मिर्जापुर भी लिखा रहता है, तो मिर्जापुर नैनी में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के माध्य समय से 5:30 यानी कि देखिए 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, इसका जवाब होगा +5:30 यानी कि 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं समझ सकती हूँ। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है जो प्रयागराज के नैनी या फिर मिर्जापुर जो भी ऑप्शन में रहेगा लगाइएगा, तो क्या कहते हैं, प्रयागराज के नैनी से अगर गुजरती है तो यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको ध्यान रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन पूछते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो 5 राज्यों से गुजरती है, और इसके लिए भी मैं ट्रिकी वीडियो बना चुकी हूँ कि जो भारत का मानक समय है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोग ट्रिकी वीडियो वाले में जाकर देखिए, इसका ट्रिक है छतरी उरी आंधी से आंधी में, तो वहाँ जाकर के आप लोग देखिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिप रेखा, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी डुरंड रेखा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए 67th BPSC में पूछी गई क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसका नाम है मैकमोहन रेखा,
भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस सीमा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। देखिए, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुंडू प्रपात निर्मित है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पे, ऑप्शन सी सुवर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुवर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात निर्मित है। ठीक है, हुंडू जलप्रपात जो है जो रांची से 45 किलोमीटर है, रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट यानी कि 98 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई भी जान लिया हम लोग, 320 फीट 98 मीटर है। और यह हुंडू जलप्रपात जो है जो रांची से 45 किलोमीटर दूरी जो स्वर्ण रेखा नदी है वहां से क्या कहते हैं वहां स्थित है। ठीक है, निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है 44 और 42 यानी कि 44वां और 42वां बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं संबंधित देश इस प्रकार है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। देखिए दोस्तों, जो भी मैं इसके डिटेल्स को पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन के डिटेल्स को पढ़ रही हूँ, सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक डिस्क्रिप्शन जो दिया गया, डिटेल्स जो मैं पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। मेरा यही उद्देश्य है कि भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन के अलावा इसके जो भी डिटेल्स है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एक भी नंबर गलत नहीं हो। आप अच्छे स्कोर के साथ आप अच्छा करें अपने एग्जामिनेशन में। तो चलिए बताते हैं, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, और दोस्तों यह सर्वोच्च चोटी, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता भी इस बार के भी स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 9th-10th वाला जो स्टेट लिया गया सोशल साइंस, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है सो पूछा गया था। ठीक है, तो 8,848 मीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। गॉडविन ऑस्टिन K2 इसकी ऊंचाई जो है जो 8,611 मीटर है। ठीक है, 8,611 मीटर है, यह भारत में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा जिसके 8,598 मीटर है इसकी ऊंचाई, और यह भारत और नेपाल में स्थित है। मकालू 8,463 मीटर, यह नेपाल में स्थित है। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 4,300 से लेकर के 6,000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी है 4,000 से लेकर के 5,800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी है 4,500 से लेकर के 6,000 मीटर पश्चिम में, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 4,300 यानी कि 4,300 से लेकर के 6,000 मीटर पूर्व में। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा स्नो लाइन की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5,500 से लेकर के 6,000 मीटर और महान हिमालय की श्रेणी पर भाग पर 4,500 से लेकर के 6,000 मीटर पाई जाती है। ठीक है,
इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच स्थित है, तो यह 4300 से लेकर के 6000 मीटर के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी बृहद हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, सही जवाब है। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। शिवालिक का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। शिवालिक के दक्षिण में भाबर का मैदान है, जिसे शिवालिक का पर्वतपदीय प्रदेश माना जाता है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ यूजोइक में, पैलोजोइक में, मेसोजोइक में और ऑप्शन डी है सेनोजोइक में। तो इसका सही जवाब होगा सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है जो सेनोजोइक में हुआ। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से लेकर के 5.2 बिलियन वर्ष पूर्व क्या है, प्लियोसीन युग, जो कि सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ जो सेनोजोइक में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ऑप्शन ए यूजोइक महाकल्प में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन सी मेसोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित जो हुए वह ऑप्शन डी इसका सही जवाब है सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत के निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। ठीक है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि देखिए चूंकि हम लोग क्वेश्चन तो 10 देखे, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके जितने भी क्वेश्चन है इसके डिटेल्स को पढ़ा और उसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तो लगभग 10 क्वेश्चन के अलावा हम लोग यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन और देख लिया इसके डिटेल्स में। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लासेस को कीजिए, और एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरे बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं सभी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। रटने की कोशिश नहीं करना है, बस आप एक से दो बार रिपीट कीजिएगा वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी पूर्वक। तो मैं भारत की भूगोल से रिलेटेड आज पहला क्लास शुरू की, जो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए यह बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो पूछी गई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं इससे रिलेटेड सभी को मैं आप लोगों के सामने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं बताई, इसके डिटेल्स को पढ़ी, और ये जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सभी को मैं आपके सामने डिटेल्स में बताने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद है। इसी तरीके की रोजाना क्लास करने के लिए हमारे YouTube चैनल AV Academy के साथ बने रही। यह क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार में जो अभी सेकेंड फेज की जो बहाली आ रही है BPSC के थ्रू जो ली जाने वाली एग्जामिनेशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को आप लोग रोज कीजिए, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन है भारत के भूगोल से रिलेटेड, इसको हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।